मिनोक्सिल साइड इफेक्ट आफ्टर स्टॉपिंग। अगर आप भी मिनोक्सिल को लगाना बंद कर देते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं, क्या नुकसान आपको होते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए जिससे कि आपको पूरी जानकारी आसानी से समझ में आ सके। सो हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप में से ऐसे कोई भी लोग है, कोई भी इंसान है जो कि मिनोक्सिल का यूज़ करता है हेयर्स की ग्रोथ करने के लिए या फिर बियर्ड की ग्रोथ करने के लिए, और उनके बाल ग्रोथ भी हो जाते हैं, हेयर्स ग्रोथ भी हो जाते हैं, लेकिन आप अब उसको छोड़ना चाहते हो, लगाना बंद करना चाहते हो, तो उसके बाद आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मिनोक्सिल होता है वो आपके फेस के, अगर आप बियर्ड पर यूज़ करते हैं तो फेस के ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, अगर आप सिर पर यूज़ करते हैं तो सिर के जो हेयर्स की जड़ है उसका ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज़ करता है, यानी जो आपकी रक्त वाहिनी है, जो आपकी मसल्स जो रहती है, नस वगैरह जो रहती है जिसमें कि ब्लड सप्लाई होता है, तो वो अगर आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी हेयर्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो सिकुड़ने लग जाती है। तो मिनोक्सिल क्या करता है, उस पर दोबारा से रक्त संचार करने लग जाता है, जो ब्लड फ्लो करने लग जाता है, जिसके बाद से आपकी जो हेयर्स की ग्रोथ तेज़ होने लग जाती है। आपने मिनोक्सिल लगाया, मिनोक्सिल से आपकी बियर्ड आ गई, हेयर्स आ गई, लेकिन आप अब उसको बंद करना चाहते हो, तो उसके बाद से आपके हेयर फॉल दोबारा से होने चालू हो जाएंगे। जब भी आप मिनोक्सिल का यूज़ करें, तो मैंने कई सारे वीडियोस में बताया, मिनोक्सिल टेम्परेली आपके हेयर्स की ग्रोथ करता है, चाहे वो दाढ़ी के हेयर्स हो, चाहे वो सिर के हेयर्स हो। जैसे ही आप उसको लगाना बंद कर देते हो तो एक दो महीने के बाद आपके दोबारा से हेयर फॉल चालू हो जाते हैं, यानी जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन मिनोक्सिल ने इंक्रीज़ किया था वो दोबारा से कम होने लग जाता है, जो आपके मसल्स जो रहती है, नस वगैरह जो रहती है, उसमें से फिर वो दोबारा से सिकुड़ने लग जाती है, जिसके बाद आपकी जो हेयर्स की प्रॉब्लम है वो सामने आती है। सेकंड हम बात करते हैं, जब आपका हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो आप देखना जो आपकी स्किन है उसके होल्स बंद हो जाएंगे, वो चिकना हो जाएगा। चिकना होने के बाद हेयर्स की ग्रोथ होना इम्पॉसिबल जैसा होता है। तो अगर आप मिनोक्सिल का यूज़ करते हो हेयर्स की जगह पे, तो वो हेयर्स के होल्स दोबारा से ओपन कर देता है, जो आपकी चिकनी परत है उसको हटा देता है, उसके बाद आप वहाँ से जो होल्स रहते हैं वहाँ से नए बालों की ग्रोथ होने लग जाती है। तो आप मिनोक्सिल से आपके हेयर्स की ग्रोथ तो कर लेते हो, जो चिकनी जगह है उसको दोबारा खोल लेते हो, होल्स खोल लेते हो, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, मिनोक्सिल जब आप लगाना बंद कर देते हो तो वो चिकनी जगह दोबारा होने लग जाती है, जो आपकी पूरी स्किन में होल्स रहते हैं जहाँ से हेयर्स की ग्रोथ होती है, तो वो होल्स दोबारा से बंद हो जाते हैं। तो जो मिनोक्सिल होता है वो यही काम करता है कि आपके एक तो होल्स को ओपन करता है, सेकंड आपके मसल्स का जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज करता है, थर्ड जो आपके हेयर्स की जो जड़ है वहाँ पर ब्लड सप्लाई करता है। ये मिनोक्सिल काम करता है। अगर आप मिनोक्सिल को स्टॉप कर दे लगाना, दोबारा से आपको वही प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो इसके बाद आपको कोई सेकेंड ऑप्शन देखना चाहिए, जैसे कोई अच्छा बेड ऑयल्स देखना चाहिए, होम ट्रीटमेंट देखना चाहिए, कुछ भी ट्रीटमेंट्स आप देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आपको सेकेंड ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि मिनोक्सिल अगर आप कंटिन्यू लंबे समय तक यूज़ करोगे तो काफ़ी कम प्राइस का आता है, 500-600 हज़ार रुपये का आता है। अगर आप उसको यूज़ करो 2 से 3 महीने कंटिन्यू हो जाता है, तो अगर आप 3 महीने में 1,000 रुपये खर्च कर रहे हो आपके हेयर्स की प्रॉब्लम पे, तो भाई बहुत कम है। तो आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो 8-10 साल तक, तब तक आपकी बियर्ड की हेयर्स की प्रॉब्लम्स आपको हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए तब तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही एज रहती है, जैसे कि 20 से 35-40 साल तक की एज तक आपके हेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाद में तो सभी के हेयर फॉल चालू हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी कुछ करे, किसी किसी के नहीं होते बट लगभग सभी के होने लग जाते हैं। तो उस टाइम आपको इतना सीरियसली इतना इफेक्ट नहीं करता कि भाई मुझे इस एज में, यानी अगर आप 40-45-50 साल के हो उस टाइम आपके हेयर फॉल होने चालू हुआ, तो उस टाइम आप इतना सीरियसली नहीं लोगे कि भाई अब मुझे हेयर्स दोबारा उगानी है। तो कम से कम आप 20 से 30 साल की एज तक कंटिन्यू ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। 10 साल अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो वो 8-10 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आएगा, तो इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप उसको लंबे समय तक मिनोक्सिल को यूज़ करोगे तो आपकी हेयर्स की प्रॉब्लम्स कभी आपके सामने नहीं आएगी। जो आपकी प्रॉब्लम्स अभी है, अभी जो आपकी बियर्ड नहीं आ रही, हेयर्स की ग्रोथ नहीं हो रही, कम एज में आप गंजे टकले हो गए हो, तो वो प्रॉब्लम तो मिनोक्सिल सॉल्व कर ही देता है। अच्छी कंपनी का आप यूज़ करोगे तो आपकी हेयर्स की प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व कर देता है। लेकिन खास करके अक्सर लोग क्या करते हैं कि यार भाई, अब मैंने बहुत यूज़ कर लिया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे ये नहीं करना, मुझे स्टॉप करना है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मिनोक्सिल साइड इफेक्ट स्टॉपिंग। अगर आप मिनोक्सिल को लगाना बंद कर देते हो तो फिर क्या क्या नुकसान होते हैं, यही नुकसान होते हैं। क्योंकि भाई आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, फिर बाद में आपको वही प्रॉब्लम दोबारा सामने आ रही है, तो फिर आपका ट्रीटमेंट करने का क्या मतलब है। तो इस बात को सोच समझ के आप ट्रीटमेंट्स करें,
और अगर आप मिनोक्सिल से परमानेंट बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर ही मैंने एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो जो कोई भी मिनोक्सिल यूज़ करना चाहता है उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। कैसे लगाया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ वगैरह बना रखे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को आप कमेंट करके आपकी प्रॉब्लम जरूर जाएं, जो भी आपकी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।